और अब आइए चंदौली की सरजमीन से जनाब सुरेश कुमार अकेला से इल्तमास करूंगा कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। सर्वप्रथम मंच को प्रणाम करता हूँ, समक्ष बैठे सुधी श्रोतागण, बड़े बुजुर्गों, एक स्वर में प्रणाम करते हुए सीधे पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश, चार पंक्तियां प्रार्थना के तौर पे। दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, हर घड़ी प्यार के गीत गाता रहूं। मुझ पर इतना करम कर खुदा कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं, कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता। शुक्रिया। मंच पर ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनके समक्ष कुछ कहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए एक दो और मुक्तक और उसके बाद इस जनपद का गीत जिसने मुझे पहचान दी। वाह। यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, अपने दिल को जलाने से क्या फायदा, अब लगी आग दिल की बुझा दीजिए, सभी तो अपने हैं दिल से लगा लीजिए, सभी तो अपने। बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम पहली बार मंच पे पढ़ने जा रहा हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। उनको नफरत कि अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, पैसों का खेल संसद के अंदर दिखाई देता है, अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, पैसों का खेल संसद के अंदर दिखाई देता है, बचा लो लोकतंत्र की आबरू यारों, रक्षकों के हाथ में अब खंजर दिखाई देता है। आज ऐसा माहौल है साथियों, हमें सतर्क होने की जरूरत है, अगर लोकतंत्र बचाना है तब मैं कहता हूँ। ये आप सबकी दुआएं और प्रेम है। किसी झूठे पे ना ऐतबार हो जाए, जब इस देश में श्रद्धा जैसी घटना होती है, इस देश में आकांक्षा दुबे जैसी घटना होती है, तो मेरे जैसा कभी क्या सलाह देने की कोशिश करता है कि किसी झूठे पे ना ऐतबार हो जाए, किसी झूठे पे ना ऐतबार हो जाए, किसी जालिम से ना तुमको प्यार हो जाए, किसी जालिम से ना तुमको प्यार हो जाए, मुखौटा प्यार का लगाए हैं दरिंदे यहाँ, देखो दामन ना तेरा दागदार हो जाए, देखो दामन ना तेरा दागदार हो जाए। और इसी अंदाज पर एक छोटा चार पंक्तियां और, कि उनको नफरत है मुझसे,
फिर भी प्यार करता हूँ। पूरी तरह से काल्पनिक है ये। उनको नफरत है मुझसे फिर भी प्यार करता हूँ, याद में उनकी रात दिन में आहें भरता हूँ। दीदी वाह। याद में उनकी रात दिन में आहें भरता हूँ, कोशिशें मिलने की नाकाम हो गई है सभी। उनकी डीपी से मैं उनका दीदार करता हूँ, उनकी डीपी से मैं उनका दीदार करता हूँ। और बहुत जल्दी से ये जनपद का गीत मैंने बहुत परिश्रम से लिखा है आप सबके गुजारिश, और चाहूंगा कि मैं आप इस पर ध्यान दें और इस जनपद का पूरा परिदृश्य देखें। एक एक रिसर्च के बाद मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैं प्राइमरी का अध्यापक हूं इसलिए मैं कहता हूं कि जो सच्चे हैं उन्हें सच्चा रहने दो, जो सच्चे हैं उन्हें सच्चा रहने दो, गर हम कच्चे हैं हमें कच्चा रहने दो। सुना है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सुना है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम बच्चों के बीच रहते हैं हमें बच्चा रहने दो, हम बच्चों के बीच रहते हैं हमें बच्चा रहने दो। तब कहता हूँ ये जनपद का गीत, आप सबका ध्यान और आशीर्वाद। कि धान कहूँ मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूँ। धान कहूँ मैं कटोरा देखो, प्रीति के रीत की बोली हूँ। मेरी कोख में बीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में बीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। थोड़ा आशीर्वाद देंगे तो हौसला बढ़ेगा, अगर बात पहुंच जाए तो तालियों से संकेत करिएगा। यह चंदौली क्यों ऐसी है मैं कहता हूं कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया। 16 अगस्त 1942, 28 अगस्त 1942, आदरणीय मिल्की सर बैठे हैं, संघर्षों के व्यक्ति हैं, पूरा इतिहास जानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि धानापुर की वीर भूमि जब थाने में अंगार किया, गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। गूंज उठी लंदन की सभा में ऐसा वो प्रतिकार किया। स्वतंत्रता के मुरादियों में देश भक्ति का था उन्माद, मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मौत भी आएगी समर में इसका ना था उन्हें विषाद। मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, मैं मुक्ति धाम के रूप में देखो, गंगा तट पे नरौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। दूसरा दृश्य देखें, हाँ, जिसके लिए पूरी दुनिया में हमारा देश जान, हमारा चंदौली, हमारा जनपद जाना जाता है। स्टेज भी थोड़ा बेदार हो जाए भाई। चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। वाह वाह वाह। चंद्रकांत और नौगढ़ का इतिहास मेरी धरोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। वाह शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। राजदरी और देवदरी का दृश्य बड़ा मनोहर है। जागेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है। कालेश्वर नाथ का धाम यहाँ सबकी पीड़ा हर लेता है।
लतीब शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। लतीब शाह का बांध यहाँ मन को हर्षित कर देता है। और अगली पंक्तियां, 3 महीने के रिसर्च के बाद मैंने लिखा, तब मैं कहता हूँ, मैं चंद्र प्रभा और कर्म नाशक, मैं चंद्र प्रभा और कर्म ना सके, संगम पास धरौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद मैं चंदौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद मैं चंदौली हूँ। दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी, दीन दयाल स्मृति उपवन अद्भुत है पहचान मेरी, लाल बहादुर की जननी हूँ, ऊंची से शान मेरी। यही वो दीनदयाल नगर मुगलसराय है जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। कि लाल बहादुर की जननी हूँ, ऊंची से शान मेरी, किना राम के तप भूमि और बुद्ध कलिये इतिहास हूँ मैं, पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं, पश्चिम वाहिनी के तट पर वाल्मीकि के साथ हूँ मैं, जहाँ सजा है बाग दयाल का देखो पावन धरा रमौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ। और जल्दी से अंतिम बात कहकर अपना स्थान लूंगा, और ये बात इस बात के साथ, यह चंदौली 32 से ज्यादा पद्म पुरस्कृत लोग इस चंदौली से जुड़े हैं, हमें गर्व है अभी अपनी चंदौली पर। तब मैं कहता हूँ कि कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं साथियों। कि कला साहित्य संगीत से अपना नाता बहुत पुराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरिजा का ये घराना है, विद्याधरी कैलाश नामवर गिरिजा का ये घराना है, कमलपति की कर्म भूमि और राजत का यह सास हूँ मैं, कमलपति की कर्म भूमि और शास्त्री का यह सास हूँ मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं, जो भी मेरी गोद में रहते सब जन का विश्वास हूँ मैं सींच रही हूँ, मैं सींच रही हूँ इस उपवन को गंगा धारा भूपौली हूँ, मेरी कोख में वीर है पलते, जनपद में चंदौली हूँ, जनपद में चंदौली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।